में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों UFBU का IBA के साथ जो मीटिंग था दोस्तों, उस मीटिंग में UFBU का और IBA का कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं था। मतलब मेरा जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, अभी तक UFBU ने कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं जारी किया है। जितने भी सर्कुलर नहीं तो बातें आ रहे हैं दोस्तों, सब लीडर्स के मुंह से आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं है। तो कल जो दोस्तों मीटिंग हुआ, इसको लेके जो बातें बताए गए हैं, एक तो बताए गए हैं ओल्ड रिटायरीज को पेंशन मिलेगा और जो नया नया रिटायरीज हुआ है उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। मतलब जो बात हुआ, सिंपल सा बात, ओल्ड रिटायरीज का पेंशन अपडेशन होगा। तो जो लोग 2022 नहीं तो 2016 में रिटायर हुआ है, क्या उन लोगों को पेंशन अपडेशन नहीं होगा? तो अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। उसके साथ साथ जो 22 अप्रैल 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, उस केस का भी कोई भी, मतलब उस केस के पहले सुप्रीम कोर्ट में तो बता ही दिया था आप लोग, मतलब IBA को बता दिए थे आप लोग, 3 मंथ के अंदर अंदर एक रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। लेकिन IBA ने उस रिपोर्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। तो 22 तारीख अगर IBA रिपोर्ट नहीं देता है तो IBA का जो लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट का जज को बता देगा, हम लोगों को और वक्त चाहिए, UFBU इसमें भी कुछ भी नहीं कर पाए और UFBU कुछ भी नहीं बताया क्या IBA रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो डिमांड है, कल जो मीटिंग को लेके डिस्कशन हुआ, एक डिमांड अभी भी मिसिंग है, 2002 रिटायरीज का DA न्यूटिलाइजेशन, क्या इसके बारे में कल बात हुआ? ये भी अभी तक पेंडिंग है। और 24 आवर्स आ गया, ना ही AIBA ना ही UFBU ने कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर, नहीं तो रिटायरीज एसोसिएशन ने भी अभी तक कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं जारी किया है। तो हम यही बता सकते हैं IBA और UFBU के साथ जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग का कोई भी ठोस सबूत, कोई भी ठोस कॉन्फिडेंट बातें हमारे सामने नहीं आया है। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए नॉलेज IQ TV के साथ। थैंक यू।